Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने टोटल प्रेशर, सेंटर प्रेशर के बारे में देखा था। इस वाले लेक्चर में हम कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आइए अपना साथ बनाए रखें, तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो क्या फॉर्मूले हैं वो? पहला फॉर्मूला जैसे कि देखिए, हम क्या बनने वाले हैं, स्पेशल फॉर्मूले किसके लिए? इफ द कंपैरिजन, कंपैरिजन करना हो या फिर हमें कुछ फाइंड करना हो, इफ द कंपैरिजन या फाइंड स्लैश डालते हैं फाइंड, या कोई डिफरेंस निकालना हो, किन किन में चीज होएगा ये? अगर हमें कुछ कंपेयर करना हो, कुछ ढूंढना हो या कुछ डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस इन बिटवीन टू सब्सटेंस एंड देयर प्रेशर आर सेम, प्रेशर आर सेम, अगर उनके प्रेशर सेम हुए, जैसे कि ये हमने ले लिया P1 पहला सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस है P2, ठीक। अगर हमने दो चीज़ें मान ली P1 एंड P2, मतलब दो सब्सटेंस है, एक तो है A, दूसरा सब्सटेंस है B। अगर A का प्रेशर P1 है और B का प्रेशर P2 है और दोनों सेम है, तो इनमें कुछ फॉर्मूले रहते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जरा वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला रहेगा हमारा रो जी एच बराबर रहेगा रो जी एच, बस यहाँ वन 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 ओ सॉरी टू टू टू, ठीक। दूसरा फॉर्मूला रहेगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट का, वन वन बराबर रहेगा इसका H2, ठीक। तीसरा फॉर्मूला रहेगा हमारा डब्ल्यू एच, वन वन इक्वल टू टू टू। और फोर्थ फॉर्मूला रहेगा हमारा ρ1H1 बराबर ρ2H2। तो कुछ फॉर्मूले हैं ये हमने क्यों पढ़े, इनके लिए भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उस न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा इन फॉर्मूलों को हम क्यों यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेंट इन अ वेसल, द हाइट ऑफ ऑयल एट दैट पॉइंट इज 50 meters, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट। यानी क्या कहना चाह रहा है ये, कुछ इस प्रकार कहना चाह रहा है कि ये जैसे कंटेनर है, ये रहा हमारा कंटेनर, ठीक। इसमें हमने ऑयल भरा, क्या भरा? ऑयल। ये हमने ऑयल भरा, ये क्या है? ये है ऑयल, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। तो ये 50 meters तक गया, ये मान लीजिए ये हाइट यहाँ तक गया, ये हमारी 50 meters तक गया, तो ये यहाँ तक पहुँचा है इस निशान तक। अब ये कह रहा है कि हमने ऑयल की जगह इसी कंटेनर में पानी भर दिया। अब क्या भर दिया हमने ऑयल की जगह? वाटर। तब हमें ये निकालना है कि जब पानी जो जाएगा यहाँ तक, उसकी हाइट कितनी होगी, पानी से ऊपर जाएगा, कम जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि पानी का आपको पता ही है स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की आएगी 1, तो पानी से ऊपर आएगा नीचे जाएगा, वो हमें हाइट फाइंड करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की रहती है, ठीक। बड़ा इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी शो करते हैं ऑफ ऑयल, कितनी है 0.9, ठीक। हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है हमारी 50 meters, ठीक। अब हम डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी कितनी आएगी हमारी इसकी, 0.9 मल्टीप्लाई में 1000 इज इक्वल टू 900 kg पर मीटर क्यूब। कैसा है? सिंपल। अभी तक आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी था डेंसिटी ऑफ फ्लूड, इसमें क्या था ऑयल, अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड यानी कि वाटर। तो ये कितना है 0.9 इज इक्वल टू ऑयल की डेंसिटी निकाल दिया हमें,
यूनिट वाटर के लिए 1000, इससे मल्टीप्लाई आएगा तो कितनी आएगी, 900, 900, 900, ठीक, तो कितनी आ गई 900। अब हमें निकालनी क्या है, हमें हाइट निकालनी है वाटर की, सब्सटेंस की, हाइट किसकी थी ऑयल की, अब हमें हाइट किसकी निकालनी है वाटर की, पता नहीं वाटर की, लेकिन हमें डेंसिटी पता कितनी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा सिंपल सिंपल, क्योंकि इसने क्या कही है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हीट ऑफ वाटर एट द पॉइंट, यानी कि इसने ये कही है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर जो ऑयल यहाँ तक जो पॉइंट है जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो पानी भी उतना ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है, बस हमें पानी का पॉइंट ढूंढना है। तो यानी हमें कितनी बार सुनवाई, प्रेशर ऑफ ऑयल बराबर है प्रेशर ऑफ वाटर के, यानी P1 बराबर है P2 के। तो फिर हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा रो जी एच बराबर रो जी एच, 1 1 1 2 2 2, ठीक, इतना आ गया। अब 1 हमने लिया ऑयल के लिए, तो डेंसिटी कितनी ऑयल की 900, ठीक है, 900 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल 9.81, हाइट कितनी है 50, ठीक, वाटर की डेंसिटी 1000 ग्रेविटेशनल 9.81, हाइट कितनी है निकालनी है। अब एच इधर रहेगा, सारा दस लगा, कितना है 900 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 50 ओवर 1000 मल्टीप्लाई में 9.81, इससे कटा, इससे गया, तो एच बराबर कितना आ गया, एच आ गया हमारा 9 × 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आई 45 मीटर, यानी क्या कह रहा, अगर हमारा ऑयल 50 मीटर पे जाके जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा था, हमारा पानी 45 मीटर पे जाके उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा। तो अगर हम इसे दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते थे, पहले हम प्रेशर हेड निकालते हैं, फिर प्रेशर इंटेंसिटी निकालते हैं, फिर दोनों को हम सेम करके जब करते हैं। तो इसलिए हमने एक आसान सा फॉर्मूला सीखा, उससे हमारे न्यूमेरिकल 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो जैसे पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। अगला जो न्यूमेरिकल करेंगे या अगला जो लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 14 करेंगे, उस लेक्चर नंबर 14 में हम आगे में जानेंगे। अभी तक जो हमने सीख लिया ये बहुत है, ये हमारे स्टैटिक चैप्टर खत्म हो गया। अब हम अगला शुरू करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है। आपने नाम सारे सुनेंगे लेकिन आपको नहीं पता है क्या होते हैं, तो हम इनके न्यूमेरिकल फॉर्मूले डेफिनेशन डायग्राम सब कुछ सीखेंगे। तो अपना साथ बनाए रखें।